बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हम हाफ कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.06 लेस और इक्वल टू जीरो लेस और इक्वल टू जी लेस और इक्वल टू 1.67। अब इससे पहले कि जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये दो, ये तो डायरेक्टली आपने जो आपका टेबल है वहाँ से पिक कर लिए, उनकी वैल्यूज आपको मिल गए आंसर इनफ, और वो वहीं पे स्टॉप हो गया। अब ये अब देखें, इसका अगर हम वो एरिया बनाए कि हमसे कौन सा एरिया मांगा गया है, तो अब देखिए 0.06 राइट हैंड साइड पे आएगा, और वो कहाँ पे, यही कहीं पे होगा, क्योंकि जीरो के करीब तरीन होगा कहीं पे, ठीक है, मिड में जीरो होता है, तो 0.6 यहाँ पे कहीं होगा। फिर आपके पास है 1.67, तो 1.67 जाहिर सी बात है 0.6 से जो है तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे कहीं पे वो लाइ करेगा। तो ये तो आपको इसकी समझ आ गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन बिटवीन जो 0.6 और 1.6 का एरिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आपके उस टेबल में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, फर्स्ट यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें पता है ना, 0 से 0.6 तक की प्रोबेबिलिटी हम उस टेबल से देख सकते हैं, 0.60 के यानी 0.6 और फिर ऊपर 0 जो होगा, फर्स्ट रो में जो 0 होगा उसकी 0.6 के सामने की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से 0.6 तक की एरिया की प्रोबेबिलिटी है। फिर आपने 0 से 1.6 तक 1.67 तक का एरिया जो है, यानी यहां से यहां तक के एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वो आपको टेबल से मिलेगी। 1.67 में आप देखें आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो यहां से यहां तक के एरिया की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आपके पास ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें ये मिड में ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है ना, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, और टेबल में हमें यहां से यहां और यहां से यहां तक गिवन है, मिड का ये अलग से गिवन नहीं है। तो सिंपल सा काम करना है आपने। अब देखें जो बड़ा एरिया है ना, हमेशा आप ये बात याद रखें, बड़े एरिया में से आपने छोटा माइनस करना है। आप देखें ये बड़ा एरिया है ना एज कम्पेयर टू 0 to 0.6, सो ये बड़ा एरिया आपने ये पहले ले लेना है, फिर माइनस यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसकी प्रॉबिबिलिटी आप टेबल से, आप मैंने अभी आपको बताया कि आप टेबल में 1.67 की वैल्यू देखें, वो आपके पास होगी 0.54525 माइनस 0.60 की वैल्यू देखें तो आपके पास होगी 0.2257, तो वो आप माइनस करें 0.4525 में से, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली इस प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। जस्ट आपने करना क्या है कि जो आपके पास लार्ज एरिया है उसमें से आपने स्मॉल एरिया को माइनस करना है। अब एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी कहाँ से, सेम उसी टेबल में से आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, नेक्स्ट में आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.30 लेस और इक्वल टू जी लेस और इक्वल टू 2.18। अब ये असल में इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे अब आपके पास एक नेगेटिव भी है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे भी है, और इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज आपने एरिया फाइंड करना है। तो वो आपके पास कैसे आएगा कि आपके पास 0 से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी तो आपको सेम वहां पे टेबल में गिवन है ना। देखिए माइनस से मत घबराए, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, टेबल में आप वही 1.30 के आमने सामने जो वैल्यू होगी उसी में से आपने लेनी है, ठीक है, वहां पे माइनस मत ढूंढे। और 0 से लेकर 2.18 की जो वैल्यू है टेबल में, आप देखें 2.18 की क्या वैल्यू है वो देखें, 1.30 की क्या वैल्यू है वो देखें, उन दोनों वैल्यूज को अब हमें चाहिए यहां से यहां तक, और हमें गिवन है 0 से यहां तक और 0 से यहां तक, तो हमें अलग अलग से गिवन है ना, लेकिन हमने इनको कंबाइंड देखना है, तो कंबाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, प्लस लेते हैं। सो आप देखिए आपने क्या करना है, यहां पर उन दो प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना है। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे
हमने माइनस किया था, क्योंकि हमने हमारे पास जो एरिया था ना वो देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का गिवन था। तो आप देखें यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन होगी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का ओवरऑल एरिया हमें पता चलेगा, उसकी प्रॉबिबिलिटी हमें पता चलेगी। तो सिंपल, उन दोनों एरियाज को, उन दोनों प्रॉबिबिलिटीज को आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 लेस आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू -8.4। यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 फिर 0.804, ठीक है, 0.84 यहाँ पे पहले आएगा और -1.96 बाद में आएगा। ऑब्वियसली ये इससे इसके बाद में ही आता है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ गए। अब एरिया हमने इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज फाइंड करना है। सेम आपके पास यही वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज थी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल में तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी क्योंकि प्रॉबिबिलिटीज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और वो प्रॉबिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो एरिया फ्रॉम 0 टू 0.84 वो आपको टेबल में गिवन है, और एरिया फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया फ्रॉम 0 टू 1.96 वो भी आपको गिवन है। 1.96 के आगे देखे, 0.84 के आगे देखे, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज आपको वहां से मिलेंगी। तो चूंकि ये एरिया आपके पास लार्ज है देन दिस वन, सो लार्ज वैल्यू एरिया में से आपने स्मॉल एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो अब आप देखें, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 5, 6 और 7 भी हैं। इन एरियाज में अगर हम देखें तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ वन जेड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1.96 आपसे मांगी गई है। तो यहाँ पे अब आप देखें, अगर आप कर्व बनाएं तो आपके मिड में, आपके मिड में क्या हमने कहा है, मस्ट जीरो होता है, सो जीरो लाई करेगा, ठीक है। और आपका ये जो 1.96 है वो यहां भी कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका 1.96 है, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए, अब देखें, जी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1.96, यानी इससे ग्रेटर, यानी ये वाला जो कंप्लीट एरिया है ये आपने फाइंड करना है। अब इसको कैसे, जीरो से लेकर 1.96 की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हमें पता है वो हमारे पास 0.5 है। तो 0.5 में से अगर आप सिर्फ जो 1.96 का एरिया जो आपको टेबल में गिवन है वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, वो आप टेबल में से देखें आपके पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखें, 0.5 में से उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। वो एरिया आपके पास 1.96 में आप देखेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। आपको पता है कैसे आया, मैंने स्टार्ट में समझा दिया था कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का जो एरिया होता है वो एक्चुअली आपके पास 0.5 होता है। देखें, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो हमें पता है, देखिए जो नॉर्मल हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, एरिया अंडर द कर्व जो हम कहते हैं, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है 1, लेकिन जब हम उसे हाफ करते हैं ये 0 है, ठीक है। अगर हाफ एरिया आप देखें तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5, तो इस साइड पर भी आपका 0.5 लाई कर रहा है और इस साइड पर भी आपका 0.5 लाई कर रहा है। सो हाफ ऑफ 1 इज 0.5 और टोटल एरिया आपका 1 है, तो हमें यहाँ पे हाफ ही चाहिए, तो हाफ 0.5 माइनस 1.96 आप करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, लेकिन 2.15 आपके नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पे करते हैं, अभी ये आपका कर्व है और ये आपके पास 0 है यहाँ पे, ठीक है। हमें चाहिए -1.25, तो -2.15, तो 2.15 आपके इस साइड पे लाई करेगा, चूंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये यहाँ कहीं पे लाई करेगा। हमें चाहिए एरिया लेस देन और इक्वल टू -2.15, यानी इससे लेस, ये जो जितना एरिया है वो सारा हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, इस हाफ एरिया में से, यानी 0.5 में से, 0 से 2.5 तक का जो एरिया होगा वो माइनस करना है, ठीक है। 0.5 में से माइनस जो 2.15 का जो एरिया होगा ना, वो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो आपको टेबल में गिवन है वो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपका इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है।
ये आपके पास हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपके पास ये क्वेश्चन। एंड आई होप आप लोगों को अब ये प्रोबेबिलिटीज कहीं पे भी, या चाहे किसी एमसीक्यूज में आपके पास इस तरह की प्रोबेबिलिटीज आए, आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे भी मस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो आई होप आप लोग इजिली कर सकोगे। इफ़ स्टिल देर इज एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।